डियर स्टूडेंट्स, आज हम नॉर्मल लैटरलिस देखते हैं। नॉर्मल लैटरलिस में साइड व्यू में क्या क्या बोन्स आती हैं? फ्रंटल बोन आती है, पैराइटल, टेम्पोरल और ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड और जाइगोमेटिक बोन्स। तो ये सारे बोन्स हैं जो नॉर्मल लैटरलिस को फॉर्म करते हैं। इसके फीचर्स हैं टेम्पोरल लाइन्स, जाइगोमेटिक बोन, दिस इज द ये आपके फ्रंट जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन और ये है फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द जाइगोमेटिक बोन्स। तो यहाँ से ये टेम्पोरल लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है, फिर ये क्रॉस करती है कोरोनल सूचक को, उसके बाद ये लाइन टेम्पोरल लाइन दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। सुपीरियर टेम्पोरल लाइन एक पेंट लाइन दिख रही है और दूसरी है इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन। सुपीरियर टेम्पोरल लाइन ये पीछे जा करके ये डिसअपियर कर गई है, जबकि इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन ये पीछे गई एंड उसके बाद फिर ये आगे की तरफ ये आती है और ये सुप्रा मेस्टॉइड क्रेस्ट के साथ कंटिन्यू होकर के जाइगोमेटिक के साथ फ्यूज हो जाती है। तो ये हो गई आपकी सुपीरियर और इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन्स। सुपीरियर टेम्पोरल लाइन फेंट लाइन है क्योंकि इस पर टेम्पोरल फेशिया का अटैचमेंट है और इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन्स पर टेम्पोरलिस मसल अटैच होती है, इसलिए ये प्रोमिनेंट लाइन होती है। जाइगोमेटिक आर्च, जाइगोमेटिक आर्च ये फॉर्म होता है आपका जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन, पोस्टीरियर टू थर्ड पार्ट बनाता है और टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ द जाइगोमेटिक बोन, ये पूरा जाइगोमेटिक आर्च का फॉर्मेशन है। दोनों बोन के पार्ट के बीच में ये टेम्पोरो जाइगोमेटिक सूचक प्रेजेंट है। इस आर्च के दो एंड होते हैं, एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड। पोस्टीरियर एंड के दो रूट्स हो जाते हैं, ये मैंडिबुलर फोसा, मैंडिबुलर फोसा जहाँ पर मैंडिबल के साथ टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। तो इस फोसा के आगे का जो रूट है ये एंटीरियर रूट है जाइगोमेटिक आर्च का और इस फोसा के पीछे ये गया पोस्टीरियर रूट ऑफ द जाइगोमेटिक आर्च जो फिर सुप्रा मेस्टॉइड क्रेस्ट के साथ कंटिन्यू हो जाता है। और लोअर बॉर्डर पर ये दोनों रूट के जंक्शन पर एक ये ट्यूबरकल आपको दिखता है। जाइगोमेटिक आर्च के दो बॉर्डर हैं, सुपीरियर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर पर अटैचमेंट है टेम्पोरल अपर बॉर्डर, जाइगोमेटिक आर्च के अपर बॉर्डर पर अटैचमेंट है आपका टेम्पोरल फेशिया का और लोअर बॉर्डर जाइगोमेटिक आर्च और इनर सरफेस, यहाँ से मैसीटर मसल का ओरिजिन होता है। ये हो गई जाइगोमेटिक आर्च के बारे में। ये एक्सटर्नल अकाउस्टिक मिएटस है। एक्सटर्नल अकाउस्टिक मिएटस का जो एंटीरियर पार्ट है ये फॉर्म हो रहा है आपका टिम्पैनिक प्लेट से, इसका टिम्पैनिक प्लेट, और इसका जो पोस्टीरियर मार्जिन, तो टिम्पैनिक प्लेट आपका पार्ट क्या क्या फॉर्म कर रहा है, एंटीरियर इन्फीरियर मार्जिन और पोस्टीरियर मार्जिन, ये पूरा ये एरिया टिम्पैनिक प्लेट से बना है एक्सटर्नल अकाउस्टिक मिएटस का। और जो पोस्टरो सुपीरियर मार्जिन है, पोस्टरो सुपीरियर मार्जिन एक्सटर्नल अकाउस्टिक मिएटस का, ये स्क्वामस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से बना होता है। ये स्क्वामस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन जो कि पोस्टरो सुपीरियर मार्जिन फॉर्म कर रहा है एक्सटर्नल अकाउस्टिक मिएटस का। फिर यहीं पर हम देखते हैं एक ट्रायंगल ऑफ मैसेवेंस या सुप्रा मिएटल ट्रायंगल, ये एरिया है सुप्रा मिएटल ट्रायंगल का, ट्रायंगल ऑफ मैसेवेंस। तो इसकी बाउंड्री किससे फॉर्म हो रही है, ऊपर की तरफ ये अपर मार्जिन इसका बन रहा है सुप्रा मेस्टॉइड क्रेस्ट से, फिर एंटीरियरली ये बनता है पोस्टरो सुपीरियर मार्जिन ऑफ एक्सटर्नल अकाउस्टिक मिएटस, पोस्टरो सुपीरियर मार्जिन ऑफ एक्सटर्नल अकाउस्टिक मिएटस, और पीछे की तरफ हम एक इसके पोस्टीरियर मार्जिन एक्सटर्नल अकाउस्टिक मिएटस से हम एक वर्टिकल लाइन टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये हो गया आपका ट्रायंगुलर एरिया जिसको हम कहते हैं
सुप्रामिएटल ट्रायंगल या ट्रायंगल ऑफ मैसेवेंस। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये कि ये ट्रायंगल आपका लेटरल वॉल मैस्टॉइड एंट्रम का फॉर्म करता है, तो इस एरिया से हम मैस्टॉइड एंट्रम में एंटर कर सकते हैं। फिर मैस्टॉइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, ये टेम्पोरल बोन का मैस्टॉइड पार्ट है पूरा, जस्ट एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटस के पीछे जो एरिया है ये मैस्टॉइड पार्ट है टेम्पोरल बोन का। इसमें आते हैं आपके पैराइटोमैस्टॉइड, ये सूचर पैराइटोमैस्टॉइड सूचर आ गया। फिर ऑसिपिटोमैस्टॉइड सूचर आ गया, ये पार्ट ऑसिपिटोमैस्टॉइड सूचर, और ये है लैम्डॉइड सूचर का पार्ट। तो ये पॉइंट जहाँ ये तीनों सूचर्स मीट करते हैं, इस पॉइंट को एस्टीरियन कहते हैं। इन्फेंट्स में ये एस्टीरियन ये है पोस्टोलेटरल और मैस्टॉइड फॉन्टेनेल का साइट, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों सूचर्स इन्फेंट में मीट नहीं फॉर्म नहीं हो पाते हैं, तो ये एरिया सॉफ्ट पार्ट बोन का रह जाता है, जो कि एट द एज ऑफ 1 ईयर ये कंप्लीट होकर के और ये सूचर यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं। फिर मैस्टॉइड प्रोसेस, ये ब्रेस्ट लाइक प्रोजेक्शन है मैस्टॉइड पार्ट का, इसको कि मैस्टॉइड प्रोसेस कहते हैं। ये प्रोजेक्शन एक्सटर्नल अकाउस्टिक मिएटस के आप बिलो देख रहे हैं और थोड़ा पीछे की तरफ ये प्रोजेक्टेड एरिया है। मैस्टॉइड नॉच है यहाँ इस प्रोसेस से, मैस्टॉइड नॉच, इस मैस्टॉइड नॉच से पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक मसल का अटैचमेंट होता है, और इस मैस्टॉइड नॉच के जस्ट पीछे जो डिप्रेशन है इस एरिया में ऑसिपिटल आर्टरी प्रेजेंट होती है इस ग्रुप में। फिर टेम्पोरल फोसा में एक एरिया और आपको देखना है, टेरियन जिसे कहते हैं, तो ये टेरियन एक टेम्पोरल फोसा के एंटीरियर पार्ट में एक डिप्रेशन होता है जहाँ पर आपको एच शेप्ड सूचर दिख रहा है, एच शेप्ड सूचर। ये सूचर बन रहा है आपका फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन और ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड के बीच में, तो ये एच शेप्ड सूचर इस एरिया को टेरियन कहते हैं। ये थिन पार्ट है स्कल बोन का, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि इस एरिया के ही जस्ट अंदर की तरफ डीप में यहाँ पर मिडिल मेनिंजियल वेन प्रेजेंट होती है, एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी आती है और स्टेम ऑफ द लेटरल सल्कस ऑफ ब्रेन का स्टेम प्रेजेंट होता है इस टेरियन के डीप पार्ट में। और यदि एक्सीडेंट में ये एरिया में इंजरी हो गई तो इसकी वजह से जो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी है उसमें रप्चर हो सकता है और ये एक्स्ट्रा ड्यूरल हैमरेज का कारण हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ब्रेन का मोटर एरिया आता है उस पर कंप्रेशन हो सकता है और अपोजिट साइड बॉडी का पैरालिसिस हो सकता है इन केस ऑफ एक्स्ट्रा ड्यूरल हैमरेज। फिर नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर है आपके लेटरल नॉर्मल लेटरलिस में, नेक्स्ट फीचर है स्टाइलॉइड प्रोसेस, ये टेम्पोरल बोन का एक प्रोसेस है। स्टाइलॉइड मीन्स पेन, एक्सटर्नल अकाउस्टिक मिएटस के बिलो और इन फ्रंट, ये प्रोसेस है प्रोजेक्शन टेम्पोरल बोन का जिसे स्टाइलॉइड प्रोसेस कहते हैं। स्टाइलॉइड प्रोसेस के अटैचमेंट्स वाइवा में बहुत पूछा जाता है और स्टाइलॉइड अपरेटस पर भी एक शॉर्ट नोट्स आ सकता है। तो इसमें अटैचमेंट है मीडियल सरफेस पर स्टाइलॉइड प्रोसेस के स्टाइलोफेरेंजियस मसल अटैच होती है, क्योंकि फेरिंग्स मीडियली हो गया। एंटीरियर सरफेस पर स्टाइलॉइड प्रोसेस के स्टाइलोग्लॉसस मसल अटैच होती है, आगे की तरफ जो जा रही होती है। पोस्टीरियर सरफेस पर इसके स्टाइलोहाइड मसल होती है, टिप किससे स्टाइलोहाइड लेगामेंट का अटैचमेंट होता है और लेटरल सरफेस पर स्टाइलो मैंडिबुलर लेगामेंट होता है।
स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। तो ये अटैचमेंट्स हैं आपके स्टाइलॉइड प्रोसेस के।